पहले हिमाचल में। यूं ही नहीं कहा जाता कि हरियाणा के गांव-गांव में खिलाड़ी बसते हैं। आप देख सकते हैं कि गांव शेखपुर सुहाना जो कि करनाल का गांव है, शेखपुर खालसा के गांव की बेटी है मीनू गंगस, जिन्होंने ड्रैगन बोट में आप देखिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, दो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और यहां पर आप देखिए परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, गांव की महिलाएं हैं, जो किस तरीके से उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हुए यहाँ पर गांव के तमाम लोग, उनके पिता भी हैं, दादा भी हैं, आस पड़ोस के लोग भी हैं, और बहुत ज्यादा खुशी है। मीनू से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगी मीनू आज, यानी कि एक गर्व का पल है, क्या कुछ कहना चाहेंगी, कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है, और सबसे ज्यादा मेरे गाँव, मेरे परिवार सबको बहुत खुशी है। मेरे कोच ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और बहुत खुशी है, मतलब इतनी खुशी है कि मतलब बयान नहीं कर सकते। कितने वक्त से तैयारियां चल रही थी हमारी गेम की? कम से कम एक साल से तैयारियां चल रही थी इस गेम के लिए, और अभी बहुत ही मुश्किल से हमारा जो है ये, मतलब कौन सी गेम है और ब्रॉन्ज मेडल है, किस तरीके से देखा जाता है? ये वाटर स्पोर्ट्स है, ये ड्रैगन जो है गेम है पानी का, तो इसमें हमारा अभी एशियन जो चैंपियनशिप थी इसमें हमारा दो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। मैं चाहूंगी आप एक बार जी नेशनल मैं चाहूंगी आप एक बार अपने मेडल जरूर दिखाएं, वो चमचमाते हुए मेडल जो इस वक्त आप देखिए मीनू के गले में है। तो क्या कुछ ब्रॉन्ज मेडल सपोर्ट मिलता है हरियाणा सरकार की तरफ से इस गेम्स के लिए, किस तरीके से यहाँ पर सिखाया जाता है? पूरा सपोर्ट मिलता है हमारी हरियाणा सरकार से भी, और हमारे कोच हैं जो प्रवीण सर जो हमारे कोच हैं इनसे भी, और हमारे परिवार से भी, और हमारे जो हमारे भाई हैं, हमारे दादा हैं, हमारा परिवार, सब पूरा गांव पूरा सपोर्ट करता है मुझे। मीनू एक छोटा सा गांव है शेखपुर खालसा, वहां से आप आती हैं, कितनी मुश्किल भरा ये सफर रहता है लड़कियों के लिए खेलों में आगे जाना? लड़कियों के लिए वैसे तो हर चीज में ये बहुत मुश्किल है, स्टडी को लगा लो या गेम को लगा लो, लेकिन अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में। आप कितने सालों से कर रही हैं? मैं 2018 से कर रही हूँ, मुझे 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। मुश्किलें आई? बहुत आई है मुश्किलें, सब कुछ आया। चले थे मेनू वो कंप्लीट कर, हाँ, आज मेरा ही नहीं, मेरे से ज्यादा आज मेरे पिताजी हैं जो उनका सपना आज बिल्कुल। देखिए आंखें नम हो चुकी हैं मीनू की, और ये खुशी के आंसू हैं। और देखिए पूरा का पूरा परिवार आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं गांव से। खुशी हो रही है, आज हम इंटरनेशनल से मेडल जीत कर लाए हैं। 14th एशियन चैंपियनशिप थी, एक महीने से महाराष्ट्र कैंप लगा था तो सभी वहीं पे थे। उससे पहले सर बैंकॉक में कितने वक्त से थे आप? एक हफ्ता वहाँ पर थे। क्या नाम है आपका? दीप्ति। आपने भी मेडल जीता है? जी हाँ, पहले भी मेडल लेकर करनाल शहर। हमारे साथ मीनू के कोच भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आप कहाँ से हैं और किस तरीके की आपकी मेहनत रहती है? मैडम मैं करनाल से हूँ, गांव मेरा पुंडरी है, गुरोंडा हल्के में ही आता है। तो हमारा ये बच्चे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, आकाशवाणी हेल्प है हमारा, गुरु गोरखनाथ वाटर स्पोर्ट्स क्लब के नाम से क्लब है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जब भी हमारे बच्चे मेडल लेके आते हैं आप उनको उत्साहित करने के लिए और बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए आप हमेशा आगे रहते हो, और मैं पूरे इनका समाज का भी और जो इन बच्चों के साथ में पेरेंट्स हैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। कौन सी लड़कियाँ सर और होंगी जो इस गेम में और आगे बढ़ना चाहती होंगी, आगे आना चाहती होंगी, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि अपनी बेटियों को बेटों से कम ना माने। आज के टाइम में अगर आप कोई भी उठा के देख ले, छोटे से छोटे काम से लेकर चाहे जहाज चलाना, चाहे हमारा कोई भी है, बेटियाँ हमारी कंधे से कंधे मिला के चले। सिर्फ हमें जरूरत क्या है कि अपनी पुरानी उन विचारधाराओं को छोड़ के और नई विचारधारा के साथ बेटियों को भी वो हक दे के, ताकि बेटों से भी ज्यादा नाम रोशन। बात है, एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि बेटियों को बेटों से कम ना समझे, कंधे से कंधा मिलाकर वो समाज में आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे में देखिए स्वागत जो मीनू का हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। गांव के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और गांव के सरपंच भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज बेटी है गांव की, उसका स्वागत करने के लिए मीनू गणगस ने दो ब्रॉन्ज मेडल लगाकर 14th एशियन चैंपियनशिप में गांव का, देश का, प्रदेश का और समस्त गणगस खाप का जो नाम ऊंचा किया है, जो महाराष्ट्र गर्व से ऊंचा किया है, समस्त गणगस खाप ऋणी रहेगी मीनू की, और मीनू के साथ कंधे से कंधा लगाकर समस्त गणगस खाप मीनू के साथ हर दम तैयार है, मीनू के हर सहयोग के लिए।
स्वागत के लिए आप देखिए हमेशा तैयार रहेंगे। यूं ही गांव वाले महिलाएं हैं जो माथा चूमती हुई आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा गौरव का पल है। हम उनके पिता से भी बात करेंगे, उनके पिता से बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी उनका स्वागत चल रहा है, उनके पिता से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर हरियाणा की बेटी ने हरियाणा का नाम रोशन किया है, उनके पिता से भी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर लगातार मीनू का स्वागत किया जा रहा है, लगातार उनसे बातें की जा रही हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं 2018 से उन्होंने यहाँ पर काम करना, अपने खेलों पर अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, और उसके बाद अब 2022 में वो उन्हें सफलता मिली। उनके पिता से भी बात करने का प्रयास करेंगे। देश को बहुत ज़्यादा खुशी है, बुढ़े ने इतने छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से आके इतनी मेहनत की है और इतनी बाधाओं को दूर करके इसने मेडल जीता है। तो बाधाओं को क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, पूरे हरियाणा का किया है, पूरे देश का किया है, पूरे गांव का किया है। इतनी मुश्किलें आपको सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलों का जब तो बुढ़िया ने सामना किया है, क्योंकि मेडल तो लेके ही खेल हमारी तरफ से सपोर्ट है, पूरे गांव का, पूरे हमारे गण का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं पिता के मुंह पे मुस्कान है, मीनू की दादी भी यहां पे मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बढ़ो आगे, हम नौकरी सरकारी मिल जाओ, हर तरीके कर दो, तरीके के आशीर्वाद बढ़े वो, और अपना और अच्छा करें। और दादा दादी भाई चाचा ताऊ सब आ रहे, सारा परिवार आ रहा है इनका। कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, ना, आपका नाम भी रोशन करा, अपने बापू दादा का भी नाम रोशन किया बेटी। आज कैसा लग रहा है पूरा हरियाणा यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है बेटी, सिर्फ किसके पिताजी की कमी है, वो कोई कमी नहीं। यहाँ पर मीनू की माँ भी मौजूद है, उनसे दीप्ति की माँ भी मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। मैम कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी? हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, और हरियाणा का नाम रोशन करेंगी ये बेटियाँ। कितने टाइम बाद मतलब इन्होंने प्रैक्टिस किया? इनको ढाई तीन साल हो गए जी इस गेम में, ढाई तीन साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, और आप लोगों ने सपोर्ट किया और सबने सपोर्ट किया गवर्नमेंट? हाँ जी सब सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा तो इनके कोच सर हैं, इनके लिए बहुत टाइम देखते हैं वो। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लोग इतने खुश हैं, वो विक्ट्री साइन से बता रहे हैं कि हम ये जीत के आए हैं, हम ये खिताब जीत के आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मीनू है उसकी आंखें भी नम है और वो खुश भी है। मेरे आप लोगों से अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर करिए और देखते रहिए IBN24। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।